वहीं एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने भाजपा के द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री की फोटो पर जूते मारने और कालिख पोतने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विगत दिनों रायपुर में भाजपा द्वारा किए गए प्रदर्शन में मुख्यमंत्री निवास घेराव के दौरान सोशल मीडिया में वायरल हो रहे भाजयुमो कार्यकर्ताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फोटो पर जूते मारने को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने भिलाई नगर कोतवाली थाने में पहुंचकर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाकर एफआईआर करने की मांग की है। एनएसयूआई के प्रदेश सह सचिव आकाश कन्नौजिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि हाल ही में बेरोजगारी को लेकर आंदोलन किया गया था, जिसमें कुछ भाजयुमो पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के पोस्टर पर जूते मारने और कालिख पोतने जैसे कृत्यों को अंजाम दिया गया था, जिससे हम सभी छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंची है और हम अपने स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कतई नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर हमने नामजद शिकायत कर पुलिस प्रशासन से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हाल में ही जो अभी भाजपा के द्वारा आंदोलन किया गया था बेरोजगारी को मुद्दे को लेकर, उस आंदोलन में देखा गया कि भाजयुमो के कुछ कार्यकर्ता व पदाधिकारी जो कि माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पर कालिख पोत रहे हैं, जूतों से वार कर रहे हैं, उनके बने हुए जन्मदिन के पोस्टर्स पर फाड़ मचा रहे हैं। हम सब यह जानते हैं और यह मानते हैं कि जो भूपेश बघेल जी हम सब छत्तीसगढ़िया के स्वाभिमान है, वह हम अपने सम्मान के साथ ऐसा दुर्घटना या आहत होने नहीं देंगे। इसी के विरोध में आज सेक्टर 6 कोतवाली थाने में नामजद एफआईआर की मांग की गई है। जिन जिन भाजयुमो कार्यकर्ताओं के वीडियो हमारे पास आए हैं जो यह कृत्य करते दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर की मांग एनएसयूआई द्वारा की गई है। भाजपा और भाजपा के समर्थित पार्टियों द्वारा लगातार प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसे लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। देखना होगा कि भाजपा और उसके समर्थित पार्टियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का आने वाले समय में क्या असर पड़ता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।